वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी की धीमी पारी की लगातार क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैंस आलोचना कर रहे हैं। इस बीच खबर आ रही है कि वर्ल्ड कप के ठीक बाद पूर्व कप्तान धोनी क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं। संभावना है कि भारतीय टीम का मौजूदा विश्व कप में अंतिम मैच महेंद्र सिंह धोनी के लिए भी आखिरी मुकाबला हो सकता है। अगर भारतीय टीम फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करती है और लॉर्ड्स पर 14 जुलाई को विश्व कप में जीत हासिल करती है तो भारतीय क्रिकेट के महान क्रिकेटरों में से एक के लिए यह आदर्श विदाई होगी। बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर पीटीआई से बात की। उन्होंने कहा, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी संभावना नहीं है कि वह इस विश्व कप के बाद भारत के लिए खेलना जारी रखेंगे। उन्होंने तीनों प्रारूपों की कप्तानी छोड़ने का फैसला भी अचानक ही लिया था, तो इस बारे में भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। गौरतलब हो कि पिछले कुछ वक्त से लगातार धोनी आलोचकों के निशाने पर हैं। खासतौर पर वर्ल्ड कप में धोनी की धीमी पारी कई बार टीम इंडिया के लिए भी भारी पड़ रही है। धीमी पारी के साथ ही पिछले एक साल से धोनी की बेहतरीन मैच फिनिशर वाली छवि भी धूमिल होने लगी है। जहां तक रन जुटाने की बात है तो धोनी ने विश्व कप में 7 मैचों में 93 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 223 रन बनाए हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई 52 गेंदों में 28 रन की पारी की काफी आलोचना हुई। इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम ओवरों में बड़े शॉट्स नहीं लगाने के कारण धोनी को फैंस की नाराजगी झेलनी पड़ी। वर्ल्ड कप में लगातार स्पिनर्स के सामने धोनी को संघर्ष करना पड़ रहा है।